हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था, करेक्ट। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 20 मीटर लॉन्ग, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ 20 मीटर है एंड 14 मीटर वाइड और उसका विड्थ 14 मीटर है, ठीक है। इस टू बी कवर्ड विद ग्रास, वो जो प्लॉट है वो ग्रास से कवर किया गया है। विद लीविंग 2 मीटर ऑल अराउंड, उस अब उसमें ग्रास जो ग्रास है वो ऐसे लगाया गया है कि चारों तरफ से 2 मीटर का रास्ता छूटा हुआ है, ठीक है। फाइंड द एरिया टू बी लेड विद ग्रास, हमको एरिया बताना उस पोर्शन का जितने में ग्रास है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हम लोगों का हो गया फील्ड या फिर कह लें प्लॉट हो गया, ठीक है। अब इसमें कह रहा कि ग्रास ऐसा लगाया गया कि इसके चारों तरफ 2 मीटर लॉन्ग एरिया छुटा हुआ है, ठीक है। तो जो इसके बीच में डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, करेक्ट। और ये पोर्शन हमारा ग्रास से फिल किया गया है, करेक्ट। जो रेक्टेंगल है इसका जो मेज़रमेंट दिया गया है वो 20 मीटर लॉन्ग है और 14 मीटर इसका विड्थ है, करेक्ट। तो हम लोग लेट कर लेते कि जो हमारा ग्रासी एरिया है वो ए बी सी डी है, ए बी सी एंड डी। लेट द ग्रासी एरिया इज ए बी सी, ठीक, ए बी सी डी। अब हमको क्या करना, लेंथ निकालना ए डी का, ठीक है। तो अब एक चीज हमको ये बताओ कि अगर हम यहां पे इनके बीच में डिस्टेंस 2 मीटर है तो यहां भी 2 मीटर होगा, करेक्ट। और इस तरफ भी 2 मीटर होगा, इस तरफ भी 2 मीटर होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसके ऑल अराउंड जो एरिया छोड़ा जा रहा है वो 2 मीटर विड्थ का है, करेक्ट। तो अगर हम इस लेंथ की बात करें तो इसमें अगर देखें तो 2 मीटर यहाँ का छूटा हुआ है और 2 मीटर यहाँ का छूटा हुआ है, और जबकि टोटल लेंथ जो ये है ये 14 है। तो हमारा ये इसमें से 2 मीटर ये बाहर हो गया, 2 मीटर ये बाहर हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, ये डिस्टेंस हमारा 2 यहाँ से छूट बाहर हो गया, 2 यहाँ से बाहर हो गया, टोटल कितना बाहर हो गया, 2 प्लस 2 4 बाहर हो गया। इट मींस कि ये हमारा 14 है, 14 में से 4 माइनस करेंगे तो ये लेंथ हमारा 10 बचेगा, है ना। 2 मीटर इधर छूट रहा, 2 मीटर इधर छूट रहा, तो 2 4 छूट गया, बाकी जो बचेगा वो हमारा ग्रासी एरिया का लेंथ विड्थ हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह ये डिस्टेंस हमारा 20 है, ठीक है, हमको पता करना है ये डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, 2 मीटर ये पोर्शन इतना इधर छूट गया और 2 मीटर इधर का भी छूट गया, करेक्ट। 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो बचेगा कितना, 20 में से 4 माइनस कर देंगे तो 16 बच जाएगा, तो ये लेंथ हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको ग्रासी जो एरिया है उसका लेंथ और विड्थ पता हो गया है, करेक्ट। जो ग्रासी एरिया है उसका लेंथ और विड्थ हम पता कर लिए हैं, तो हमको ग्रासी एरिया का, ग्रासी जो प्लॉट है उसका हमको एरिया फाइंड करना, तो वो फाइंड हो जाएगा इजी। तो हम क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ ग्रासी पोर्शन इज इक्वल टू कितना, 20 माइनस 4 16 मीटर, ठीक है। ब्रेथ ऑफ ग्रासी पोर्शन
इज इक्वल टू सेम उसी तरह 14 माइनस 4 ये कितना बचेगा 10 मीटर। ठीक है, अब हमको एरिया पता करना है। एरिया ऑफ ग्रासी पोर्शन, ठीक है, फॉर्मूला क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्यों, क्योंकि ये भी हमारा एक रेक्टेंगल ही बनेगा जिसका लेंथ 16 है और ब्रेथ 10 है, तो रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं, लेंथ कितना आ गया 16, ब्रेथ कितना है 10, 16 टेन जा 160 मीटर स्क्वायर, ये हमारा जो ग्रासी पोर्शन उसका एरिया आ गया। तो यही हम लोगों का आंसर होगा, क्वेश्चन में यही पूछ रहा कि फाइंड द एरिया ऑफ एरिया टू बी लेड विद ग्रास, उस एरिया को बताओ जो ग्रास से भरा हुआ है, करेक्ट। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।